नई नई रेसिपी और होम रेमेडी को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए और सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को क्लिक करना ना भूले। क्या बनाने के लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, आधा कप बारीक कटी हुई मेथी, एक टेबलस्पून या फिर थोड़ा सा हरा धनिया, चीनी, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, गरम मसाला, हींग, थोड़ा सा सोडा और तेल। तो पहले हम मुठिया के लिए दो लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने लिया है बेसन। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी, हरा धनिया, गरम मसाला, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, एक टेबलस्पून जितनी चीनी, थोड़ा सा ऑयल, चुटकी सोडा और नींबू का रस, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और हम इसका दो लगाएंगे। जरूरत पड़े तो ही हम पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे और हम इसका दो लगाएंगे। मुठिया के लिए मैंने दो लगा लिया है और इतना दो लगाने में मुझे सिर्फ दो टेबलस्पून ही पानी लगा है। अब हम हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे शेप में मुठिया बनाएंगे। आप चाहो तो दूसरे शेप में भी बना सकते हैं, कोई लोग ऐसा शेप भी बनाते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हो। अब हम एक एक करके सारे मुठिये को इसी तरह से बना लेंगे। मुठिया के लिए मैंने एक एक करके सारे गोले बना लिए हैं और जब मैं गोले बना रही थी तब मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम मुठिये को फ्राई करेंगे। सारे मुठियों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। मुठिये हमारे दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ये ऐसे भी खाए जा सकते हैं और उन्हीं में तो ये लाजवाब लगते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।